हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मेरा नाम है ध्वनित और आप लोग देख रहे हैं मोटर अपडेट्स। और ये जो वीडियो है उसमें मैं बताने वाला हूँ कि मई 2021 में टॉप 10 सेलिंग कार्स कौन कौन सी थी। बिकॉज मैंने अप्रैल महीने का भी किया था और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है उस वीडियो को। उसी वजह से मैं इस सीरीज को जो है कंटिन्यू करता हूँ। हर महीने को आपको ऐसा एक वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें टॉप 10 सेलिंग कार्स होगी। तो आज तो हम मई 2021 की बात करने वाले हैं। और मई 2021 में ऑलमोस्ट सारी जगह पे लॉकडाउन चल रहा था और उसकी वजह से गाड़ियों की जो बिक्री है वो थोड़ी सी कम हो पा रही है। तो दोस्तों, इसके बारे में ज़्यादा बात करूँ उससे पहले मैं बता दूँ कि सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है वो मारुति सुजुकी को हुआ है, क्योंकि जिस कंपनी ने अप्रैल महीने में 133,000 यूनिट्स बेचे थे उसी कंपनी ने मई महीने के अंदर सिर्फ 25,000 यूनिट्स बेचे हैं। तो ये एक मतलब बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि कैसे हो गया। तो बस यही था। और सिर्फ मारुति को इतना लॉस हुआ है 76% तक का। बट बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का जो लिस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। पोजीशन पर जो गाड़ी है उसका नाम है महिंद्रा बोलेरो। महिंद्रा बोलेरो एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गाड़ी है रूरल एरियाज के अंदर। हमारे काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके पास भी ये गाड़ी होती है। तो ये जो गाड़ी है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पुरानी भी है। और अभी हाल ही में 2020 में इसको अपडेट भी मिला था छोटा सा BS6 में। तो ये जो है मई महीने के अंदर 10th पोजीशन पे आई है। और इसकी जो सेल्स फिगर हुई है मई महीने के अंदर वो हुए 3517 यूनिट्स। और अगर हम पिछले महीने से कंपेयर करते हैं तो पिछले महीने इसकी जो सेल्स फिगर थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी। इसको 6152 यूनिट्स हुए थे, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। बट 1000 वाली जो है गाड़ी वो आ रही है, तो फर्स्ट पोजिशन पर कितनी गाड़ियाँ बिकी होगी तो उसका आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, 9th पोजीशन पे जो गाड़ी आती है उसका नाम है ग्रैंड आई 10 नियोस। ग्रैंड आई 10 नियोस की अगर हम बात करें तो मई महीने के अंदर इसकी जो सेल्स फिगर हुई है वो है कुछ 3804 यूनिट्स, जो काफ़ी कम है। क्योंकि अप्रैल महीने से अगर हम कंपेयर करते हैं तो अप्रैल महीने में ये गाड़ी कुछ थी 11,504 यूनिट्स, जो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है यूनिट्स के अंदर। तो ये अगर हम बात करें इसका ग्रोथ जो हुआ है वो हुआ है 67% लॉस हुआ है, उसको ग्रोथ नहीं हुआ है। तो बस यही एक 9th पोजीशन वाली ग्रैंड आई 10 नियोस की कहानी थी। वैसे इसको अगर हम बात करें तो रेटिंग्स जो मिली है वो मिली है ग्लोबल NCAP की, वो 2 स्टार मिली है, मतलब बिलो एवरेज है। और इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइजेस स्टार्ट होती है 6 लाख रुपये से लेके 9.5 लाख रुपये तक। ऑन रोड दिल्ली की प्राइजेस है। और दोस्तों, जो 8th पोजीशन पे जो गाड़ी है वो है किया सेल्टोस। किया सेल्टोस वैसे बात करें तो 2 साल हो गए इस गाड़ी को, फिर भी ये गाड़ी की जो बिक्री है वो आती रहती है टॉप 10 सेलिंग कार्स के अंदर। वैसे काफ़ी टाइम के बाद ये गाड़ी देखने को मिली है टॉप 10 सेलिंग कार्स के अंदर। और इस महीने यानी कि मई महीने के अंदर इसकी जो सेल्स हुई है वो हुई है कुछ 4277 यूनिट्स, जो काफ़ी कम है क्योंकि ऑलमोस्ट 47.1% का लॉस हुआ है। क्योंकि जो अप्रैल महीने से अगर हम कंपेयर करते हैं तो अप्रैल महीने की जो सेल्स फिगर थी वो कुछ थी ऑलमोस्ट 8,867 यूनिट्स, जो ये ग्रोथ जो है वो आपको बता रही है कि क्या चल रहा है किया सेल्टोस के सेल्स फिगर के साथ। तो अगर इसकी प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस जो है वो 11 से 21 लाख रुपए तक की है। और इसकी सेफ्टी रेटिंग्स की अगर हम बात करें, हाल ही में इसका क्रैश टेस्ट हुआ था और इसने स्कोर किया है बिलो एवरेज, मतलब 3/5 स्टार्स, जो कम है। एटलीस्ट जो इस प्राइस रेंज की गाड़ियाँ हैं उसको 5 या फिर 4 स्टार की रेटिंग तो होनी ही चाहिए। दोस्तों, जो 7th पोजिशन पर जो गाड़ी है वो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि ये जो गाड़ी है मारुति सुजुकी बलेनो ये हमेशा से टॉप 5 सेलिंग कार्स के अंदर रहती है। बट अगर हम बात करें इस महीने तो ये टॉप 5 सेलिंग कार्स में नहीं है, 7th पोजीशन पर आ चुकी है। और मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग है क्योंकि ये जो गाड़ी है ये दूसरी तीसरी पोजीशन या फिर नई नई करके भी 4थी 5वीं तक तो अटक ही जाती थी। बट ये अब अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कम पोजीशन पर आ गई है,
बट इसकी जो सेल्स फिगर हुई है मई महीने के अंदर वो हुई है कुछ 4803 यूनिट्स, जो काफ़ी कम है क्योंकि अप्रैल महीने से अगर हम कंपेयर करते हैं तो अप्रैल महीने को इसकी सेल्स हुई थी कुछ 16384 यूनिट्स, जो काफ़ी ज़्यादा थी और कंपेयर ही नहीं कर सकते कुछ। तो इसकी जो ग्रोथ है वो तो नहीं हुई, बट जो लॉस है वो अगर हम बात करें तो 70.7% इसका लॉस हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा कम बिक रही है मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ, और अभी तो बहुत सारे स्टॉक आने वाले हैं तो वेट करो। बट इसकी जो प्राइसेस की अगर हम बात करें ऑन रोड दिल्ली की, तो जो प्राइसेस है वो है 6.5 लाख रुपये से लेकर 10.5 लाख रुपये तक। तो दोस्तों जो 6th पोजीशन पे जो गाड़ी आई है उसका नाम है Hyundai Venue। Hyundai Venue काफ़ी अच्छा कर रही है जब से इसमें IMT आ रहा है, इसकी सेल्स फिगर आसमान छू रही है ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि अगर हम पिछले महीने की बात करें अप्रैल महीने की, तो अप्रैल महीने में इसकी जो सेल्स फिगर थी वो थी 11,245 यूनिट्स, और इस महीने की मई महीने की बात करें तो इस महीने हुई है 4,840 यूनिट्स, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब कम तो है बट ग्रोथ भी नहीं हुआ है, बट लॉस हुआ है 57% तक का। बट इसकी अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, फीचर्स रिच पैक है। अगर किसी को 13 लाख के अंदर ये अच्छी गाड़ी लेनी है तो आपको मिल जाती है, जो बढ़िया बात है। और इसमें अगर हम प्राइसेस की बात करें तो 8 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और 13.25 लाख रुपए तक ऑन रोड डेली प्राइसेस है। तो दोस्तों जो 5th पोजीशन पे जो गाड़ी है उसका नाम है मारुति सुजुकी डिजायर, और ये जो गाड़ी है वो कंपनी वालों ने सोच लिया है कि इस गाड़ी को हमें सेल्स में ज़्यादा रखना ही नहीं है, कम होने दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की चीज़ ही नहीं है। मतलब हर महीने की अगर हम बात करें इसका फेसलिफ्ट आने के बाद इसकी जो सेल्स फिगर है वो कम ही होती रही है, ज़्यादा कभी देखने को मिली ही नहीं है। तो ये जो है एक अच्छी चीज़ नहीं है, पर फिर भी अगर हम मई महीने की सेल्स फिगर की बात करें तो मई महीने की जो सेल्स फिगर है वो हुई है कुछ 5,819 यूनिट्स, और अप्रैल महीने से अगर हम कंपेयर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। इसकी सेल्स अप्रैल महीने के अंदर जो है वो है 14,073 यूनिट्स, जो काफ़ी ज़्यादा है, और इसकी जो ग्रोथ है वो लॉस में हुई है और 58.7% तक का इसका लॉस हुआ है। और इसकी अगर हम ऑन रोड दिल्ली की प्राइसेस कंपेयर करते हैं तो वो होती है कुछ 6.5 लाख रुपये से लेकर 10.5 लाख रुपये तक। और दोस्तों जो 4th पोजीशन पे जो गाड़ी है वो फिर से मेरे लिए शॉकिंग है, क्योंकि काफ़ी टाइम, मतलब ऑलमोस्ट अगर हम देखने जाए तो लॉकडाउन के बाद ये गाड़ी को इतना ज़्यादा कभी ग्रोथ मिला ही नहीं था, और ये गाड़ी का नाम टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन कभी भी टॉप 5 के अंदर नहीं देखने को मिली थी लॉकडाउन के बाद, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि काफ़ी टाइम के बाद ये गाड़ी को मौका मिला टॉप 5 में आने का। और ये जो है इसकी ग्रोथ हुई है मई महीने के अंदर, सेल्स फिगर जो है वो है 6,336 यूनिट्स, और इसकी अगर हम अप्रैल महीने से कंपेयर करते हैं तो अप्रैल महीने में इसकी जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 6,938 यूनिट, जो सिर्फ 7.2% के लॉस के साथ, सबसे ज़्यादा कम लॉस के साथ टाटा मोटर्स टॉप 5 के अंदर आती है टाटा नेक्सॉन। और इसकी सेफ्टी रेटिंग तो आपको सबको पता है कि इंडिया की सबसे पहली सेफेस्ट कार है ये, और 5-स्टार रेटिंग स्कोर करने वाली गाड़ी है, सबसे पहली गाड़ी है इंडिया की। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि सेफेस्ट कार है, और ग्लोबल NCAP रेटिंग है। और इसमें अगर हम प्राइसेस की बात करें ऑन रोड दिल्ली की, तो वो प्राइसेस रखी गई है 8 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक। इसमें पेट्रोल डीजल सब कुछ अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक में भी आती है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। और दोस्तों 3rd पोजीशन पे जो गाड़ी है वो है किया सोनेट। किया सोनेट काफ़ी टाइम के बाद टॉप 10 सेलिंग कार्स में आई है, मतलब जब ये लॉन्च हुई थी तब तो काफ़ी ज़्यादा बिक रही थी, बट कुछ टाइम के बाद इसको सेल्स फिगर में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। तो इसमें मई महीने के अंदर जो है वो सेल्स फिगर है 6,627 यूनिट्स, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। और अगर हम अप्रैल महीने से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा लॉस हुआ है, 14.2% का लॉस हुआ है, और ये अप्रैल महीने की जो सेल्स फिगर है वो है 7,724 यूनिट्स। तो बस यही था। और इसकी प्राइसेस की बात करें ऑन रोड दिल्ली की, तो वो प्राइसेस है 8 लाख रुपये से लेके 15.5 लाख रुपये तक। और दोस्तों 2nd पोजीशन पे जो गाड़ी आई है उसका नाम है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, और ये पिछले महीने भी 2nd पोजीशन पे थी, इस महीने भी 2nd पोजीशन पे है, ये अपनी पोजीशन से हटी नहीं है, बट इसको लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है। इसका लॉस जो हुआ है वो कुछ 61.8% तक का लॉस हुआ है। और अगर हम मई महीने की सेल्स फिगर की बात करें तो मई महीने की सेल्स फिगर में 7,005 यूनिट्स बिकी है, और अप्रैल महीने में जो सेल्स फिगर थी कंपेयर करें तो अप्रैल महीने की जो सेल्स फिगर है वो 18,316 यूनिट्स है, जो काफ़ी ज़्यादा कम बिकी है।
और लॉस भी आपको पता चल गया है 61.8%। बट इसकी जो प्राइसेस रखी गई है, वो प्राइसेस जो है वो रखी गई है ऑन रोड डेली प्राइसेस 6 लाख रुपए से लेके 9.5 लाख रुपए तक। और दोस्तों जो फर्स्ट पोजीशन पे जो गाड़ी आई है उसका नाम है, आपको सबको पता है ये काफ़ी ज़्यादा बिकती है लॉकडाउन के बाद, तो इसकी जो सेल्स वगैरह वो आसमान छू रही है। और ये गाड़ी का नाम है ह्यूंडई क्रेटा और काफ़ी टाइम के बाद ये फर्स्ट पोजीशन पे आई है। मतलब अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के बाद जब सोनेट की बारी आई तब से लेके फिर इसकी जो फर्स्ट पोजीशन थी वो छीन ली गई थी, बट वापस से ये मई महीने के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर रही है मार्केट के अंदर। और इसकी अगर हम बात करें मई महीने की सेल्स फिगर की, तो मई महीने में इसकी जो सेल्स फिगर हुई है वो है 7527 यूनिट्स। और अप्रैल महीने से अगर हम कंपेयर करें तो अप्रैल महीने में इसकी जो सेल्स फिगर थी वो थी 12,463 यूनिट्स, जो मेरे ख्याल से काफ़ी कम ग्रोथ हुआ है। और लॉस भी हुआ है, ऑफकोर्स लॉस जो हुआ है वो हुआ है कुछ ऑलमोस्ट 39.6% तक का। और इसके ऑन रोड डेली प्राइसेस जो है वो है 11 से 21 लाख रुपए, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर रही है, बट ठीक है कोई बात नहीं चलता है। और यहीं पे सारी कंपनीज ने देखने जाए तो कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ ही है, बट ठीक है कोई बात नहीं चलता रहता है थोड़ा बहुत लॉस। और अभी देखते हैं जून महीने में क्या सेल्स फिगर आती है। अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही था।